अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के नए व्लॉग के साथ हाजिर है आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल छोटे बड़े भाई। अच्छा दोस्तों, आज हम जहाँ आए हैं ये है ख्वाजा पीर मोहम्मद बना का मेला, जो सहीवाल से तकरीबन 25-30 किलोमीटर अड्डा गमीर वाली साइड पर जो है वो मुनक़द किया जाता है। तो ये हर साल जो है 3 दिन के लिए लगता है। दोस्तों वक्त को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं मेले के अंदर, चल के आपको विजिट कराते हैं। दिन को तो हर कोई वीडियो आपको रात का जो है व्यू दिखाते हैं कि मेले में रात को क्या क्या होता है, जो चल के देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं दरबार ख्वाजा पीर मोहम्मद बना के उर्स पे, जहां उनकी दरबार है उस जगह पहुंच चुके हैं। काफ़ी रश है पड़ा इधर, तो आपको दिखाते हैं दरबार का मंजर। ये देखें लोग अपनी चीजें बांटने के लिए ऊपर फेंक रहे हैं, ये सही नहीं है। किसी की आँख में भी लग सकती है। देखें आवाम बेचारी इतनी चीज जाया हो रही होगी, बेवकूफ जो है पड़े ऊपर से फेंक रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं आवाम पागलों की तरह जो चीजें बांटने वाले हैं वो चीजें फेंक रहे हैं ऊपर से, और ये जो आवाम है बेचारी तो हम पहुंच चुके हैं ख्वाजा पीर मोहम्मद बना के मेले पे, और ये सालाना उर्स होता है, साल में एक दफ़ा 3 रोज़ा ये उर्स होता है। ये आलमी नवीयत का बड़ा मेला लगता है, यहाँ पूरे पंजाब के बड़े मेलों में एक मेला ये भी मोहम्मद बना का मेला भी मशहूर है। यहाँ दूर दूर से अदादार आते हैं और अपनी जो है अकीदत का इजहार करते हैं। दोस्तों आपको मजीद दिखाते हैं, मेले का टूर कराते हैं, विजिट कर रहे कंप्लीट जो है आपको इस व्लॉग में हम मेला दिखाएंगे। ये दरबार का मेन इंटरेस्ट है, यहाँ से लोग अंदर आते हैं, यहाँ से लोग दरबार में इंटर होते हैं।
आ रही है अभी। मेहरबानी चाचू रंगारंग मिठाइयों के स्टॉल लगे हुए हैं। Thank you.
बेहतरीन जो है मोटरसाइकिल स्टैंड का अरेंजमेंट किया हुआ है। जो मुसाफिर वगैरह आते हैं यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह जो है स्टैंड पे खड़ी करते हैं। इसके साथ ही आगे से मेला स्टार्ट हो जाता है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे, यही मेले की खूबसूरती होती है। ये जनाब भूत बंगला भी यहाँ जो है बनाया गया है, बच्चे जो हैं इधर आके भूत बंगला देखते हैं और सारी रात डरते हैं। ये पान शॉप का स्टॉल भी लगा हुआ है मेले के अंदर। एक रह गया नान टिक्की का स्टॉल भी लग गया। वेट भी रखे हैं। दोस्तों लकी रानी सर्कस भी यहाँ लगा हुआ है, तो कोशिश करेंगे अंदर जाने की। साथ ही उसके धूम सर्कस भी लगा हुआ है, यहाँ लकी रानी सर्कस लगा हुआ है, वो मौत का कुआं वो जो है हैं आज जी देखो शायद वाला बच्चा।
दोस्तों हूँ असा वापसी की तैयारी करते हैं पैसे, क्योंकि रात काफ़ी ठीक है। असा अगो सफर भी करने ते अगो साकू सवारी ना मिल सी ते होर असा जरा है वापस लेने पैसे। उम्मीद काफ़ी है कि तुम बहुत ही पसंद आया उसी मेला तुसे डिठे पे मेला ते ये मेला जरा है आज मेले का आखिरी जड़ा है पिया ते असा थोड़ी शॉपिंग भी की बालें वास्ते ब्रेसलेट वगैरह ते चूड़ियाँ वगैरह कीते से ते सब दुआ में जरूर याद करो ते मेरे चैनल को लाइक फॉलो ते सब्सक्राइब जरूर करो और तुसा मेरी वीडियो जरूर डिठी करो। मैं तुम्हारे वास्ते मेहनत करे ना ते तुसा मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर किया करो ताकि मेरी हौसला अफजाई थी वे ते मैं इवें अली कर थोड़ी थोड़ी ते प्यारी प्यारी वीडियो तुम्हारे वास्ते बनावा। अगले व्लॉग वास्ते मैं कुछ इजाजत दियो। अल्लाह हाफिज़।